अस्सलाम वालेकुम गाइस, सो इट्स 21st रोज़ा टुडे और कल पहली ताकरात थी और इस बार रमज़ान इतनी जल्दी गुजरा है पता ही नहीं लगा। मुझे भी लग रहा था कि बस स्टार्ट ही है और ये लास्ट रिशा आ भी गया है, तो बहुत स्पीड से गुजरा है रमज़ान इस बार। इफ़ यू गाइज़ आर नोटिसिंग माई क्लिप्स, मैं अपनी शक्ल तो कम लगाती हूँ बट मैं वैसे रैंडम क्लिप्स शूट करती रहती हूँ। मेरी सहेलियाँ कितनी अजीब अजीब हो रही हैं एंड डू नॉट फॉलो दिस एट होम, क्योंकि आज मैंने चाय रस का नाश्ता कह रही हूँ सहरी की थी, दो रस खाए थे विद चाय। चाय मैं वैसे नहीं पीती हूँ, आई एम अ चाय हेटर, बट रस वगैरह या कुछ डिप करना हो तो मैं कर लेती हूँ उसमें। तो खैर थोड़ी सी चाय मेरे अंदर चली जाए ना तो मेरे पेट में दर्द शुरू हो जाता है, आई एम नॉट यूज टू इट। और आज मेरा इतना बुरा हाल हुआ है कि मैंने क्यों ये वाली सहरी की थी, बट स्टिल मुझे लगता है आई एम गोना रिपीट इट बिकॉज बहुत आराम से 2 मिनट में चाय बन गई थी और बहुत लाइट सा ईजिली खा लिया था, उसके बाद मुझे हैवी फील नहीं हो रहा था। ये किसकी जमीन है? किसकी बेटी हूँ? क्या मुदस्सिर के पास क्या है? राशन उतार रही आप? कोई स्कर्ट पहन के, शर्ट पहन के, ग्लासेस लगा के, बैग पहन के, डॉल बिटू इधर तो देखें, एफा इधर तो देखें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, सो इट्स 22nd रोज़ा टुडे और आज मुझे इतनी नींद आ रही है, मेरी आंखें खुल नहीं रही, मेरी शक्ल भी शायद सूजी भी लग रही होगी। आई हैवन बीन एबल टू स्लीप सिंस द लास्ट 2 डेज़ बिकॉज हमारे घर में काम हो रहा है कुछ छत पे और हमारा रूम ऊपर है और बिल्कुल हमारे रूम की जो छत है ना उस पर काम हो रहा है। अब वो सुबह सुबह जो है मज़दूर वगैरह आ जाते हैं, वो आते हैं 9 बजे, 8:45 आ जाते हैं वो। तो कल अचानक मेरी आँख, मुझे नहीं पता था कि काम स्टार्ट हो गया है, तो मैं सोई हुई थी जब सुबह में फजर के बाद 6 बजे मैं सोई हूँ और 9 बजे वैसे जो बच्ची है मेरे पास वो आती है, तो मैं उस टाइम एक दफ़ा उठती हूँ, उसको बताती हूँ क्या क्या करना है, तो फिर दोबारा से सोती हूँ। तो अभी मैं उठ के, मतलब मेरी आँख उस टाइम नहीं खुली उस बच्ची के आने से, मेरी आँख खुली है अचानक से, बहुत ज़ोर ज़ोर से शोर आ रहा था, मैं डर के उठी हूँ, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया, जलजला आ गया क्या हो गया, फिर अचानक मुझे रियलाइज़ हुआ नहीं है तो काम हो रहा है छत पर। तो मतलब वो इतना है कि बिल्कुल हमारी छत पर है तो हमारा रूम भी थोड़ा वाइब्रेशन मोड में लाइक फील हो रहा होता है और इतना ज़्यादा शोर है कि कल मैं फिर 9 बजे के बाद दोबारा मैंने बहुत ट्राई किया मैं सो जाऊँ बट आई कुडंट स्लीप, फिर सारा दिन तो मैं वैसे ही नहीं सो पाती हूँ। फिर आज भी यही हुआ कि सुबह मैं 6 बजे सोई हूँ और आज भी वो 9 बजे आ गए हैं। अब उसके बाद शोर वगैरह शुरू हो गया था तो मैं नहीं सो पाई, तो इट्स लाइक 6 to 9 बस मेरा स्लीप टाइम है आजकल, और वो भी ये कि 6 to 9 के बीच में भी इफ़ा 2 बार तो कम से कम उठती ही है दूध के लिए, तो वो भी कंसिस्टेंट मेरी नींद नहीं हो रही है एंड मेरा बुरा हाल हो रहा है और अभी काम 1-2 दिन शायद अभी चलना है, तो बुरी हालत हुई भी आज मेरी। हाय गाइज, अस्सलाम वालेकुम, सो टुडे इज 23rd नाइट, मगरिब हो चुकी है, 22nd रोज़ा गुजर चुका है और आज 23rd नाइट है और मेरे टाइटल पे आपने देखा होगा दैट आई हैव रिटन देयर कि ये डोनेशन हो रही है या चैरिटी हो सकता है इस टाइप का, मैं कोई टाइटल लिखूँ बट व्हाट आई एम डूइंग इज मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ। आई मेड एन इंस्टाग्राम स्टोरी अबाउट हेल्पिंग सम पीपल, मेरे दिमाग में बस ये थॉट आया था दैट आई वॉन्टेड टू हेल्प सम पीपल, कुछ लाइक हमारे कंट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मांगते नहीं हैं बट उनको ज़रूरत होती है और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में, क्योंकि मैं तर्जुमा पढ़ रही हूँ तो मुझे लाइक इस चीज़ का एहसास और ज़्यादा हुआ कि अल्लाह ताला ने बोला है कि स्पेसिफिकली जो लोग मांगते नहीं हैं, जो शर्म के मारे नहीं मांगते हैं बट उनको ज़रूरत होती है, एंड वी नो दोज पीपल, और उनमें मेरे दिमाग में ये आया था कि जो लोग एजेड हैं बहुत सारे लेकिन मैं उनको देखती हूँ काम करते हुए, लाइक आई हैव सीन सम पीपल जो गार्ड्स हैं, एज अ गार्ड काम कर रहे हैं बट दे आर वेरी वेरी ओल्ड, और जो लोग फ्रूट्स बेच रहे होते हैं, लाइक मैं जो करना चाह रही थी ना वो ये था कि जो बहुत एजेड लोग हैं जिनके अब काम करने की उम्र नहीं है, जिनसे काम नहीं होता बट स्टिल इंस्टेड ऑफ आस्किंग अराउंड वो स्टिल बहुत मेहनत कर रहे हैं और मुझे पता है कि उनकी क्या सैलरी क्या ही हो सकती है, लाइक 15-20 हज़ार होती है, या हमारे मुल्क में सैलरी वेजेस इंजीनियर्स को इतने कम कम पैसे मिलते हैं तो इस तरह के जो मेहनत करने वाले लोग हैं उनको कितने मिलते होंगे, और उसके अलावा जो फ्रूट्स वाले हैं, वेजिटेबल्स वाले हैं, या जो मतलब शदीद गर्मी में धूप में काम कर रहे होते हैं इस तरह के लोग हैं, तो आई वॉन्टेड टू हेल्प देम एंड आई मेड एन इंस्टाग्राम स्टोरी अबाउट दिस ऑल, तो लोगों ने मुझे पैसे भेजे, डोनेशन अमाउंट भेजी एंड वी हैव अ कलेक्टिव अमाउंट ऑफ 30,000 रुपीज़ जो कि हम जा रहे हैं अब किसी की हेल्प करने। मैंने 3 पोल्स लगाए थे इंस्टाग्राम पे कि या तो हम 30,000 पूरे किसी एक बंदे को दे दें ताकि उनकी लाइक एक जिस स्पेसिफिक बंदे को देंगे उसके लिए कुछ अच्छी बड़ी अमाउंट हो जाएगी, वो कुछ कर सकेगा उसका। देन सेकेंड था कि या तो 15,000 दो लोगों में डिवाइड करके 30-30 को 15 and 15 मैं दो लोगों को दे दूँ, उनके लिए एक थोड़ी सी लाइक बहुत ज़्यादा नहीं बट स्टिल लाइक कुछ लोगों के लिए हो सकता है एक मंथली सैलरी होती है तो उनकी हेल्प हो जाए।
एंड द लास्ट ऑप्शन वॉज के 10,000 ईच में डिवाइड करूँ, 10, 10, 10 एंड तीन लोगों को दूँ एज एन ईदी। वैसे ईदी है, मतलब मैं ईदी देना चाह रही थी, मैं यही कह के दूंगी जिसको भी दूंगी कि ये आपकी ईदी है हमारी तरफ से। तो पोल पे लोगों ने ये डिसाइड किया कि आप 10,000 ईच दें तीन लोगों को। सो दिस इज़ वट वी आर गोना डू। अभी मैं जा रही हूँ शेरी के साथ एंड वी आर गोना डू दिस। हम तीन एनवलप्स देंगे, उसमें 10,000 डालेंगे और तीन लोगों को देंगे जाके। एंड वाई आई एम रिकॉर्डिंग दिस इज़ बिकॉज ये मेरी पर्सनल अमाउंट नहीं है। सो डोंट थिंक कि मैं अपने आप को कोई बहुत दिखाना चाह रही हूँ कि मैंने अब मैं सदका दे रही हूँ या खैरात कर रही हूँ। आई वोंट डू दैट। मैं जब भी कभी सदका खैरात कुछ भी करती हूँ, मैं कभी भी उसको रिकॉर्ड नहीं करती हूँ। बट दिस इज़ बिकॉज आप लोगों ने, मतलब मेरी इंस्टाग्राम फैमिली से मुझे ये अमाउंट आई है एंड आई वॉन्टेड टू शूट दिस वीडियो बिकॉज मैं चाहती हूँ कि लोग और लोग इंस्पायर हों इस चीज़ से, और हो सकता है और लोग भी इस तरह के काम करें। और अगर कोई लाइक इस तरह नहीं कर सकता, बट स्टिल यू गाइज नो कि आप पर्सनली भी किसी को 5,000 दे दें, 2,000 दे दें, 500 दे दें, 1,000 दे दें। लेकिन आप जब जब भी आप निकलते हैं अपने घर से, आपके शॉपिंग करने जा रहे हैं, आप 10,000 की अपने लिए शॉपिंग कर रहे हैं, तो किसी को 1,000 तो आप दे सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें लाइक जस्ट टू इंस्पायर अदर्स। एंड आई एम शूटिंग द वीडियो ताकि लोगों को पता लगे कि मैंने ऐसी डोनेशन लेकर रखनी ली है। आई एम एक्चुअली गोना गो एंड गिव इट टू द नीडी पीपल। सो यू गाइज आर कमिंग अलॉन्ग विद मी। एंड ऑल्सो ये वो तो मैंने पार्टी शूट कर लिया था बिकॉज मैं इंस्टा के लिए शूट कर रही थी, बट मैं अभी जा रही हूँ बिकॉज मुझे ना एफोर्स किन्जा का जो जूता लिया था लास्ट टाइम, उन दोनों को ही एक एक नंबर छूटा है, तो वो एक्सचेंज करवाना है। सो वी आर गोइंग, हमने वो एक शूज एक्सचेंज करवाने हैं। उसके अलावा मुझे एनवलप्स देने हैं ताकि मैं एज एन ईदी प्रॉपर जिनको भी देनी है वो दे सकूँ अमाउंट एनवलप में डाल के। और उसके अलावा तीसरा काम था, मुझे बॉक्सेस चाहिए कुछ अपने लिए, तो वो बॉक्सेस देने हैं। बस आज बहुत ज़्यादा काम नहीं है, बस ये तीन काम है। सो वी आर गोना गो एंड डू ऑल ऑफ दिस। किन्जा का जब हम जूता एक्सचेंज करवाने गए हैं तो उसका साइज़ अवेलेबल नहीं था जो हमने लिया था, उसमें उसका साइज़ 9 की जगह 11 था। तो फिर ये 41 साइज़ में उसको ये पसंद आया, फिर हमने ये दिला दिया। अभी हम लोग ना घर वापस आए हैं क्योंकि थोड़ी सी इमरजेंसी हो गई थी, तो अम्मा वगैरह को साथ जाना था, वो काम करके हमने मीनवाइल उनको ड्रॉप किया। और मैंने ये एनवलप्स ले लिए और मुझे जो छोटे मोटे काम थे शूज़ एक्सचेंज करवाने के वो हो गए हैं। नाउ वी हैव टू गो टू द एटीएम, पैसे निकालने हैं एंड इन एनवलप्स में डाल के फिर उनको देना है। सो अब हम दोबारा जाने लगे हैं। इफो भी है हमारे साथ, ये जो बच्चा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्राइव थ्रू एटीएम है, यहाँ पे आए हैं। हाय गाइस, तो उस दिन के बाद से मैंने आप लोगों को अपडेट नहीं दी थी। वी वेंट टू गिव दैट ईदी टू सम पीपल और मैंने जो है ईदी रिकॉर्ड करना मुझे अच्छा नहीं लगा था, तो आई डिड नॉट रिकॉर्ड दैट बिकॉज जो फर्स्ट मैं हमने अंकल थे एक गार्ड अंकल थे उनको जब बुलाया ना, तो आई जस्ट डिड नॉट फील राइट क्योंकि मैंने कभी ऐसे किया नहीं है रिकॉर्ड करना। आई हैव जस्ट सीन सम पीपल रिकॉर्डिंग इट, तो मुझे लगा था कि शायद इट वुड फील ओके, बट मुझे नहीं अच्छा लगा। तो आई थॉट कि नहीं मैं ऐसे ही देती हूँ, तो आई जस्ट हैंडेड द एनवलप ओवर टू हिम एंड टोल्ड हिम दैट इट्स योर ईदी, मतलब अंकल की आपकी ईदी है हमारी तरफ से, और बस ये बोल के हम लोग चले गए थे वहाँ से। तो इस तरह से हमने ईदी दी थी। वी चोज फोर पीपल वहाँ जाके, बस पता नहीं दो लोगों को हमने दे दी थी, दो गार्ड्स को दी थी बिकॉज अकॉर्डिंग टू शेरी ही सेड कि यार फ्रूट्स वाले या कोई भी और लोग हैं ना जिनका लाइक अपना काम है वो स्टिल शायद कुछ ज़्यादा कमा लेते होंगे, बट जो गार्ड्स होते हैं ना उनकी एक फ़िक्स सैलरी होती है। काम बहुत मुश्किल होता है, लाइक लंबी ड्यूटी होती है, बट उनकी एक फ़िक्स सैलरी होती है। होती क्या होती है वो तो नहीं पता, बट लाइक कम ही होती है, हमें इतना आइडिया तो है। तो वो जो है सबसे ज़्यादा हक शायद उनका है। तो वी फाउंड 3 एजेड गार्ड्स, दो को तो हमने 10,000 वाले एनवलप्स दे दिए थे, जो थर्ड वाले थे ना उनको हमने नहीं दिया। वी सेड कि अच्छा किसी और को देख लेते हैं, और हम वहाँ से ना गुजर गए। तो जब हम वहाँ से गुजर गए हमें और कुछ समझ नहीं आया एंड अ फूड पांडा राइडर वॉज क्रॉसिंग, तो शेरी कहते हैं यार एक काम करते हैं 5,000 इसमें से निकाल के हम फूड पांडा राइडर को दे देते हैं और 5,000 वो जो गार्ड अंकल हम छोड़ के आए ना उन्हीं को देते हैं। तो फिर वी डिड दैट और हमने फूड पांडा राइडर को 5,000 दे दिए और 5,000 वो जो गार्ड अंकल थे एक और उनको दे दिए थे।